यह श्रीमद् भागवत गीता का 101 श्लोक आपके जीवन में एक नई ऊर्जा लाएगा जो आपके संपूर्ण जीवन में देखने को मिलेगा। तो कृपया पूरी वीडियो देखिए और आप अगर चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामना ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में समर्पण वही केवल धर्म है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका ही बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कोई भी अपने कर्म से नहीं भाग सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिसके बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान हमेशा अपने भाग को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिलीन हो जाएगा। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। सही कर्म हुआ नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म हुआ है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूँगा। केवल व्यक्ति का मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में ही हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगने लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। वह व्यक्ति जो मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि वैर्ग होती है। जब बुद्धि वैर्ग होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब इंसान का पतन हो जाता है। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए, मुझे याद है लेकिन तुम्हें नहीं। कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए हमें सत्य के राह पर चलना चाहिए। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह अच्छे के लिए ही होगा। कर्म मुझे बांधता नहीं क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल कोई इच्छा नहीं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकती और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जब तुम्हारा बुद्धि विभिन्न प्रकार के वचनों को सुनकर विचलित ना हो तथा नित्य परमात्मा में स्थिर हो जाएगी तभी तुम्हें योग की प्राप्ति होगी। जीवन ना भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है। कर्म करो, फल की अभिलाषा मत करो।
हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। हे अर्जुन, प्रबुद्ध व्यक्ति सिवा ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं रहता है। अब कृति मृत्यु से बुरी है। हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित मन से मेरी पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। हे अर्जुन, मन की गतिविधियाँ, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। हे अर्जुन, आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान की संदेह को काट कर अलग कर दो। उठो, अनशापित रहो। हे अर्जुन, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ व निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हे अर्जुन, मेरा तुम्हारा छोटा बड़ा अपना पराया सब मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा और तुम सबके हो। हे अर्जुन, ऐसा कुछ भी नहीं चेतन या अचेतन जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता है। हे अर्जुन, वह जो सारी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, मेरे ना कोई घृणित है ना कोई प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजन करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ। हे अर्जुन, मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता है। कोई व्यक्ति किसी काल में एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। सभी व्यक्ति स्वभाव से उत्पन्न रोग, द्वेष आदि गुणों से अधीन होकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं। हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूप शगन वन को प्राप्त कर जाएगी, तब तुम सुनने योग और सुने हुए विषयों के प्रति वैराग्य प्राप्त करोगे। मनुष्य के दुख का कारण उसका मोह ही है। वह जितना मोह करेगा उतना ही कष्ट भी भोगेगा। जैसे समुद्र पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य एकमात्र सीढ़ी है। बुरा लग जाए ऐसा सत्य जरूर बोलिए, अच्छा लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलिए। ज्यादा हंसने वाला और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना अंदर से वह टूट चुका है। विचारों को सकारात्मक रखो, जवाब मिल जाएगा। तुम्हारे हृदय में अज्ञानता के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। जो भक्ति भाव से सही कर्म करता है वह विशुद्ध आत्मा है। हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर अपना कार्य करो। आत्मा अमर है, शरीर तो सिर्फ मिट्टी है। आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। अहंकार सर्वनाश की ओर ले जाता है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही भावना तुम्हारे दुखों का कारण है। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन के हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बात करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल कर जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। भगवद गीता में कहा गया है कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देते लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। जब मनुष्य अपने जीवन में किसी एक चुनौती को जीवन का केंद्र मान लेता है, तब वह जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। मेरा रथ आपके हाथ में है माता, मेरे जीवन में अंधेरा हो सकता है, अंधकार नहीं। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। गीता में कहा गया है कि जब सत्य और असत्य की लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की एक लंबी फौज होगी। बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता, इसीलिए वर्तमान का आनंद लो। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसीलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जीवन में मनुष्य का सर्वोत्तम लक्ष्य स्वयं के साथ साथ दूसरों को बेहतर बनाना होना चाहिए। आपको अपने जीवन में कर्म की इच्छा होनी चाहिए, ना कि कर्म से मिलने वाले फलों की। स्वयं को किसी के तुलने में लगाना व्यर्थ है, बल्कि जीवन में अपने लक्ष्य के लिए एकाग्र रहना सबसे उपयोगी होता है।
जो व्यक्ति अपने कर्म करने में पीछे नहीं हटता है, वो सफलता के लिए जीवन में सबसे आगे होता है। किसी के सहारे और झूठी दिलासा से बेहतर यही है कि हम अपने व्यक्तित्व के साथ जीवन में आगे बढ़े। हमें सदैव स्वयं से आशाएं रखनी चाहिए, ना कि उनसे जो हमसे घृणा करते हैं। जो कर्म प्राकृतिक नहीं है वह हमेशा आपको तनाव देता है। तुम मुझ में समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। सभी कर्तव्य को पूरा करके मेरी शरण में आ जाओ। स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। यह है भागवत गीता के अनमोल श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए हैं। इतना ही था इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। हरे कृष्णा।